देश की मुल्क मैदानी तोफ समझी जाने वाली सुषमा अंधारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस आशय की घोषणा की गई है। हालांकि सुषमा अंधारे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी उनका नाम इस लिस्ट में आने से लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। सुषमा अंधारे प्रणीत गणराज्य संघ ने इससे पहले ही कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रणीत महागठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया था। मोदी तथा आरएसएस के कारण जिस तरह देश का संविधान खतरे में है, इंसानियत पर आंच आई हुई है, ऐसे माहौल में इन जातिवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने महागठबंधन के साथ मंच भी साझा किया था। सुषमा अंधारे ने कांग्रेस राष्ट्रवादी तथा वंचित के बीच गठबंधन के लिए काफी प्रयास किया था। इसके अलावा कांग्रेस राष्ट्रवादी तथा बीएसपी के बीच गठबंधन की भी वो पक्षधर थी। किसी भी तरह धर्मनिरपेक्ष वोटों का विभाजन टाला जाए, यही उनकी भूमिका रही। बीजेपी ने अपने पहले शासनकाल में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया, तो वहीं मोदी के नेतृत्व में आई सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया है। ऐसे में इस माहौल में जब केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने ब्राह्मण युवा परिषद में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हमारा अर्थ भाजपा और आरएसएस का मुख्य उद्देश्य देश का संविधान बदलकर मनुस्मृति लाना है, वहीं भाजपा के सांसद साक्षी महाराज कहते हैं कि ये देश का आखिरी इलेक्शन होगा, उसके बाद वो मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो ऐसे इस माहौल में देश के संविधान को बचाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दल इकट्ठा आए और संविधान की रक्षा करें, यही सोचकर सुषमा अंधारे ने यह फैसला लिया होगा, ये जानकार मानते हैं।